everybody so once again welcome you all on law vita my name is aradhya gupta and uh, today in this video we are going to take a topic of uh, company law and uh, here we are going to discuss the object clause of memorandum of association which is basically the third clause of the moa of a company and before this we have already covered the name clause and registered office clause so just check out the videos i'll leave the link in the description box so लेट सी द ऑब्जेक्ट clause द थर्ड क्लाज इन द मेमोरेंडम मज टेट द ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रपोज कंपनी इज़ टू बी इस्टब्लिश तो जो एक प्रपोज कंपनी जो कंपनी बनने जा रही है जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू मेक अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इन दैट मेमोरेंडम दर्ड क्लॉज दैट इज द ऑबजेक्ट कल और इस क्लाज के अंदर जो कंपनी फॉर्मुलेट होने जा रही है उसको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उसके एम्स एंड गोल्स हैं जिसके लिए वो कंपनी स्टेब्लिश हो रही है राइट हेयर सेक्शन फोर क्लॉज वन सब क्लॉज सी स्टेट्स दार्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज इंक्लूड द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकोपोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर नेसेसरी फॉर फर्दर एंस टेयर ऑफ तो ऑब्जेक्ट क्लाज के अंदर वो ऑब्जेक्टिवज आते हैं कंपनी के जिस के लिए वो या जिसके टूवर्ड्स वो इनकॉपोरेट हो रही है या फिर इसके अलावा कोई भी मैटर ठीक है जो कि नेसेसरी है उस कंपनी के फर्दरेंस के लिए उस कंपनी की ग्रोथ एंड प्रोसीडिंग्स के लिए सो द ऑब्जेक्टिव्स एंड एनी अदर मैटर विच आर नेसेसरी फॉर द फर्दर एंस ऑफ द कंपनी आर बींग इंक्लूडेड इन दब्जेक्टिव

it should not go against the provisions of the companies act so it should not go against any law of the land plus it should not go against the provisions of the companies act which is prevailing right so these are the two restrictions which are to be taken into account while determining the objective of the proposed company for example the law Prohibits gambling. Hai uh, gambling is prohibited hai by law. So now no company can be incorporated. For that purpose, koi bhi company agar apna objective gambling state karta work company incorporate ho because it is against the law. So this thing you need to remember while uh, putting forth your objective. Right? We are having a case here that is universal mutual aid and poor houses association versus AD Thapa naidu.

आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस क्या होती है सो वी आर हैविंग फाइव मेन ऑब्जेक्टिव ठीक है फर्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स बाय इंश्योरिंग दैट द फंड्स रेज फॉर वन अंडरटेकिंग आर नॉट गोइंग टू बी रिस्क इन एनअदर ये जो uh, आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है एमओए का ये एक तरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को जो भी पर्सन शेयर्स uh, खरीद रहा है आपकी कंपनी के अंदर ठीक है उनको एक एक सिक्योरिटी मिलती है कि जो पैसा वो रेज कर रहे हैं ठीक है कि जो एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए वो किसी भी और अंडरटेकिंग में रिस्क नहीं किया जाएगा और वो कहीं और भी नहीं लगाया जाएगा एंड देर इज़ नो रिस्क ऑफ देर अंडरटेकिंग ठीक है तो ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन और आई कैन सी द सेल्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू ऑल द शेयर होल्डर्स राइट फर्दर द ऑब्जेक्ट लॉज ऑफॉर्ड द सर्टिन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स ऑल्सो इसके साथ साथ Uh, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ये क्रेडिटर्स को भी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अफोर्ड करता है एज द फैक्ट दैट द कॉपोरेट कैपिटल के नॉट बी स्पेंड ऑन एनी अदर प्रोजेक्ट नॉट डायरेक्टली विद इन द टर्म्स ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्ट्स गिवज अ क्रेडिटर्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी क्योंकि uh, एक चीज़ होती है कि जो आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपने ऑब्जेक्ट्स मैंशन कर रहे हो स्टेट कर रहे हो तो यू हैव टू बी लिमिट योर डीलिंग्स एंड लिमिट योर फंड इम्पोजिशन विद इन दैट ऑब्जेक्टिव क्लॉज है ना आप उसके बाहर जाकर कुछ भी नहीं करोगे कोई रिस्क नहीं अंडरटेक करोगे तो ये क्रेडिटर्स को भी एक सिक्योरिटी uh, प्रोवाइड करता है अफोर्ड करता है कि जो कॉपोरेट कैपिटल उसने इन्वेस्ट uh, किया है स्पेंड किया है uh, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वो किसी भी और प्रोजेक्ट में uh, नहीं इन्वेस्ट uh, नही, uh, होगा नहीं यूटिलाइज किया जाएगा जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में नहीं आ रहा है तो दिस इज़ हाउ इट विल गिव अ सिक्योरिटी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स एज वेल राइट फर्दर इट प्रिवेंट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ एक्टिविटीज एंड डायरेक्शन नॉट क्लोजली कनेक्टेड विद बिजनेस फॉर विच द कंपनी में हैव बीन इनिशियली स्टेब्लिड और ये अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लॉज आपके ऑब्जेक्ट क्लैरिफाइड हैं तो ये कंपनी की एक्टिविटीज़ को डाइवर्स होने से बचाता है प्रिजर्व प्रिवेंट करता है कि जिस पर्पस के लिए जिस एम के साथ आपने ये बिजनेस ये कंपनी इनिशियली स्टार्टअप किया था शुरू किया था इस्टेब्लिश किया था आप उससे भटके ना ठीक है आपको पता हो कि आप किस लिए आए हैं आप किस लिए इनकॉपोरेट हुए हैं ठीक है आप, 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 आपकी जो दिशा है वो आप दिशाहीन ना हो जाएं सो That's also one of the importance of object. Right. Further, the public.

अकॉर्डिंग वो गाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि किस किस अकॉर्डिंग लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं टू सर्टेन कंपनीज राइट सो दिस इज हाउ दे इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर मतलब ये आपको मदद करता है कि आपको किस तरीके से कंसंट्रेट करना है किस तरीके से यूटिलाइज करना है फंड्स को ठीक है किस तरीके से अननेसेसरी uh, वेस्ट होने से बचाना है एंड यू हाउ यू कैन प्रिवेंटिवली कंसंट्रेट योर इकोनॉमिक पावर ऑफ अ कंपनी ठीक है तो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव एंड दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द ऑब्जेक्टिव क्लॉज राइट तो आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू ना फर्दर किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑल्टर कर सकते हैं वट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट

And has not still utilized the whole of the money is not to change its object except with the company's special resolution. It's saying that wo company, jo ki, uh, public is through the public, through prospectors, is that the prospectors release karti hai, uh, in the general public and then the public uh, will कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं एंड फंडिंग करते हैं ठीक है तो इफ अ कंपनी हैज़ बीन रेज इन सच अ मैनर और उसने अपने जो भी जितना मनी है उसको पूर्ण रूप से अभी यूटिलाइज नहीं किया है ठीक है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव सब तक चेंज नहीं कर सकती है जब तक कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन ना पास किया जाए फॉर द फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव सो फॉर सच अ कंपनी इट इज़ नेसरी दैट फॉर ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस दैर शुड बी द कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन बींग पास्ड right special resolution of the company and

के साथ साथ आपको इसकी सारी डिटेल्स अबाउट दिस स्पेशल रिजोल्यूशन एंड इट्स प्रिस्क्राइब डिटेल्स आपको उसे वेबसाइट ऑफ द कंपनी में भी प्रोवाइड uh, कराना होगा राइट right? द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैव टू भी गिविन एन अपॉर्चुनिटी टू लीव द कंपनी इफ दिस डिजायर और जो भी शेयर होल्डर्स जो कि इस रेजोल्यूशन के फेवर में नहीं है दे आर डिस आर हैविंग डिसेंटिंग ओपिनियन तो उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि यू मे लीव द कंपनी अगर वो चाहते हैं तो राइट एंड दिस अपॉर्चुनिटी हैज़ टू बी गिविन बाई प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द कंपनी इन अकॉर्डिंग विद रेगुलेशन स्पेसिफाइड विद द सेबी और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कौन देता है उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को दिस इज बिंग गिवन बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो भी कंपनी के प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास कंपनी का फुल कंट्रोल होता है ठीक है एज पर द रेगुलेशन ऑफ सेबी राइट तो वो लोग ही डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं दैट इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजोल्यूशन एंड इफ दे विश टू लीव द कंपनी देन दे मे डू सो राइट

सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ही हैज़ टू सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन थर्टी डेज एंड देन द रजिस्ट्रार विटिफाई दट रजिस्ट्रेशन विदिन थर्टी डेज जिस दिन ऑल्टरेशन फाइलिंग कराया है राइट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन राइट दैन फर द सेशन थर्टीन क्लॉस टेन स्टेज दट नो ऑल्टेज टू हैव इफेक्ट अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार इन अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन और कोई भी ऑल्टरेशन इफेक्ट नहीं लेगा कोई भी ऑल्टरेशन लागू नहीं होगा जब तक वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं किया जाता है एज पर दी एबव एक्सप्लेन सेक्शंस तो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है ठीक है और किस तरीके से गाइड करता है क्या इंपॉर्टेंस होती है किस तरीके से ऑल्टर होता है दिस वी ऑल लर्न इन दिस सेगमेंट In the next coming lecture, we will be discussing uh, the liability clause and the further clauses. So, this was it for now. Um, just keep studying and stay connected with Law Vita uh, because uh, you are definitely going to gain more and more uh, lectures over different law subjects. So, this was it for now. I'll meet you up with the next content with the next uh, video soon. So, take care of yourself and uh, have a good day. Bye bye.